नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज, आपका शहर आपकी आवाज। आप नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विभिन्न पार्टियां अपने अपने मुद्दे पर चुनाव में उतर रही है। वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शिक्षा में सुधार को लेकर जनता के बीच जा रही है। शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला अधिकार को लेकर रालोसपा 7 दिनों का कार्यक्रम पूरे बिहार में चला रही है। पूर्णिया में भी यह कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसकी शुरुआत कल से होगी। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है, साप्ताहिक कार्यक्रम है शिक्षा सुधार को लेकर। शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक मुहिम चलाई है जो 7 दिनों तक का कार्यक्रम है कि बटन जो हम लोग वोट डालते हैं, वोट डालने का मकसद होना चाहिए शिक्षा सुधार। तो ये कार्यक्रम हम लोगों का पहला कार्यक्रम जिला से शुरू होगा कल 7 सितंबर को। और हम लोग पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जन्मदिवस पर और जगदेव बाबू के शहादत पर जो है हम लोग चित्र पर माल्यार्पण कर शिक्षक को सम्मानित करते हुए और शाम को जिला स्कूल से मशाल जुलूस निकाह आस्था मंदिर होते हुए आपको आरनस चौक तक करेंगे। इसी तरह का कार्यक्रम जिले के सभी प्रखंड में हम लोग चलाएंगे। ये ऐसा पूरे प्रखंड में अलग अलग दिन में चलेगा। हर एक प्रखंड में कार्यक्रम को होना है, उसका प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही है क्या कि हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पूरे जिला में संगठन को तैयार की है। महागठबंधन जिस सीट पर चुनाव लड़ती है वहाँ पर हम लोग काफ़ी मदद करेंगे गठबंधन को। और 2 सीट है जो पूर्णिया सदर और धमधा विधानसभा, इस पर हमारा तैयारी बूथ लेवल तक है। और अगर ये सीट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को मिलती है तो जीत सुनिश्चित है, अपार मतों से जीत होगी। और जो भी सीट महागठबंधन को मिलेगा हम लोग पूरे जिले में जो है कि महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।